Welcome to the lecture number 10 of Software Engineering. Today's agenda is white box testing. White box testing में हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर बन गया उसको टेस्ट करते हैं कि जी क्या जो सॉफ्टवेयर बना वो ठीक भी बना या नहीं। ये एक टेक्निक है वाइट बॉक्स टेस्टिंग, इसको हम ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं जी, कोड पार्ट को चेक करते हैं। कोड पार्ट को क्या चेक करते हैं, टू टेस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में आपका कोड पार्ट आ जाता है, तो उसको हम चेक करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, इसमें गारंटीज द ट्रैवर्सल ऑफ एन इंडिपेंडेंट पाथ एट लीस्ट वंस। और एक बार हम ज़रूर चेक करते हैं कि मॉड्यूल, क्योंकि जो हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो मॉड्यूल्स में डिवाइड होता है, तो एक आधा मॉड्यूल को ज़रूर चेक करते हैं, उसका पाथ हम ज़रूर चेक करते हैं, ट्रेवर्स करते हैं उसको। उसके बाद एवेल्यूएट ऑल लॉजिकल डिसीजन एंड फाइंड वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। और जितने भी लॉजिकल डिसीजन हमने उस सॉफ्टवेयर में लिए उसको एक बार ट्रू के साथ चेक कर लेते हैं और एक बार फॉल्स कंडीशन के साथ चेक करते हैं। एवेल्यूएट ऑल लूप्स टू चेक देयर बाउंड्रीज, और लूप्स को एवेल्यूएट करते हैं कि एक लूप 10 बार रिपीट हो रही है तो वाकई वो रिपीट हो रही है। टू चेक देयर बाउंड्रीज का मतलब ये कि 10 बार हो रही है या 5 बार हो रही है, इसको हम देखते हैं। उसके बाद एवेल्यूएट ऑल इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर टू कन्फर्म देयर वैलिडिटी, और हम देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर को देखते हैं कि जो अरे है वो वर्क भी कर रही है, वैलिडेट है भी सही या नहीं। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है, सॉफ्टवेयर जब हमने बना लिया तो उसको टेस्ट करने के लिए हम ये यूज करते हैं। टू डिफरेंट वाइट बॉक्स टेस्टिंग मेथड। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग मेथड्स के दो तरीके, मुख्तलिफ तरीके हैं। पहला तरीका क्या है जी, बेसिस पाथ टेस्टिंग, बेसिस पाथ टेस्टिंग है। और दूसरा तरीका क्या, कंट्रोल स्ट्रक्चर टेस्टिंग। अच्छा जी, बेसिस पार्ट टेस्टिंग को भी फर्दर डिवाइड किया गया है फोर पार्ट्स में, जो फ्लो ग्राफ नोटेशन है, इंडिपेंडेंट प्रोग्राम पाथिस हैं, ड्राइविंग टेस्ट केसेस हैं और ग्राफ मैट्रिसेस। तो और कंट्रोल स्ट्रक्चर टेस्टिंग के आगे थ्री पार्ट हैं, जिसे कंडीशन टेस्टिंग हो गया, डाटा फ्लो टेस्टिंग हो गया, लूप टेस्टिंग होगा। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिस पाथ टेस्टिंग के से, और इसमें देखते हैं कि ये फ्लो ग्राफ नोटेशन को कैसे देखेंगे हम। तो इनको वन बाय वन हम देखते हैं कि फ्लो ग्राफ नोटेशन क्या है, इंडिपेंडेंट प्रोग्राम पाथ्स क्या हैं, ड्राइविंग टेस्ट केसेस क्या हैं, ग्राफ मैट्रिसेस क्या हैं। बेसिस पाथ टेस्टिंग वी फाइंड लॉजिकल कम्प्लेक्सिटी। लॉजिकल पहले चीज हम देखते हैं फ्लो ग्राफ नोटेशन। फ्लो ग्राफ नोटेशन को आपने देख रहे हैं कि पिक्चर में डिवाइड किया गया है सीक्वेंस, इफ, व्हाइल एंड स्विच केसेस में। तो पहला सीक्वेंस है, सीक्वेंस में स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि एक काम के बाद या एक टास्क के बाद दूसरे टास्क पे चले जाते हैं। पहली तो बात ये कि फ्लो ग्राफ जो है वो बनता है फ्लो चार्ट से, फ्लो चार्ट से वो बनता है। ठीक है, तो इसके बाद पहला जो पार्ट है वो सीक्वेंस है। सीक्वेंस में तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है कि एक टास्क के बाद दूसरा टास्क कर रहे हैं। जब हम इफ कंडीशन में आते हैं, इफ में ब्रांच क्रिएट हो रही है कि कौन सा हमने जो वे है वो यूज करना है। देखें जी, दो ब्रांचेस बन रही हैं इफ कंडीशन में। अब देखें कि हम अपर पार्ट भी यूज कर सकते हैं और लोअर पार्ट भी यूज कर सकते हैं, यानी कि ब्रांच क्रिएट होता है इफ में। और जब हम व्हाइल कंडीशन यूज करते हैं तो व्हाइल में हम ट्रू और फॉल्स की कंडीशन को देखते हैं। जब तक हमारा जो हमें ट्रू कंडीशन मिलती रहेगी हमारी लूप कंटिन्यू रहेगी। ये आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला पार्ट दोबारा सेकंड लास्ट पार्ट में जा रहा है, लेकिन जैसे ही अगर हमें फॉल्स कंडीशन मिली तो क्या होगा, वो आउट ऑफ लूप हो जाएगा। तो इसको हम व्हाइल कहेंगे। और एंड में है जी स्विच केसेस। स्विच केसेस क्या है, स्विच केसेस में हम देखते हैं जी कि पॉसिबल हमारे पास कि क्या क्या ऑप्शन हैं। तो केसेस है, पॉसिबल केसेस कौन कौन से आप देख सकते हैं कि जी स्विच केसेस में एक केसेस एक से हमारे पास तीन आउटपुट्स आ रही हैं, एक इनपुट से तीन आउटपुट्स आ रही हैं, तो इसको हम स्विच केसेस कहेंगे। सिंपल सी है कि सीक्वेंस में
एक टास्क कंप्लीट करने के बाद दूसरे टास्क में है, इफ में जब हम जाएंगे तो उसमें ब्रांचेस क्रिएट हो जाएंगे, वाइल में जब जाएंगे कि लूप जो है अगर ट्रू जा रहा है तो लूप बनती रहेगी, और जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो हम आउट ऑफ लूप हो जाएंगे। तो स्विच केसेस में क्या है जी, हमारे पास पॉसिबल सिचुएशंस हैं, पॉसिबल ऑप्शंस हैं, उनको जब हम डिस्कस करेंगे तो वो स्विच केसेस में आ जाएंगे। एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि हम फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट में फर्स्ट जो है वो हमारे पास डिसीजन बॉक्स है, डिसीजन बॉक्स एक दो की तरफ जा रहा है और एक 11 नंबर की तरफ जा रहा है। दूसरे बाद उसके बाद हमारे पास थर्ड जो है वो डिसीजन बॉक्स है, और उसके बाद जो है हमारे पास सिक्स डिसीजन बॉक्स है। इन इस फ्लो चार्ट को देखते हुए, ये कि गिवन होगा, इसको देखते हुए हम क्या करते हैं, फ्लो ग्राफ बनाते हैं। तो फ्लो ग्राफ में थोड़ी बहुत रिप्रेजेंटेशन में चेंजिंग है, हम 1 से 2 और 3 देखें जी, 2 और 3 को हमने कंबाइंड लिख दिया फ्लो ग्राफ में, और उसके बाद हमारे पास 3 के बाद, क्योंकि 3 दोबारा जो है डिसीजन ग्राफ डिसीजन बॉक्स था, तो 3 से हमने 6 पे गए और 4 और 5 को हमने एक ही बॉक्स में लिख दिया, एक ही सर्कल में लिख दिया 4 और 5, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में थे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 6 जो है वो फिर डिसीजन बॉक्स है, तो 6 से हम 7 में गए और 7 से 8 में, ठीक है, ये हमारे पास फिर डिसीजन बॉक्स आ गया, 8 और 9, 8 7 और 8 9 में गए और 10 में, ये हमने जैसे ही फ्लो चार्ट को देखते हुए फ्लो ग्राफ बना लिया। अब सो कि आपको इस बात की अंडरस्टैंडिंग होगी। अच्छा, अब इसमें क्या है जी, जो हमारे पास एरोज हैं उनको हम फ्लो ग्राफ में एजिस कहते हैं, और जो हमारे पास सर्कल्स हैं जिन्हें जिनमें वर्डिंग जिनमें न्यूमेरिक वैल्यूज गिवन है वो नोड्स हैं। अच्छा जी, इसमें एक हमारे पास रीजन्स बन रहे हैं, एक तो R1 क्लोज पाथ का रीजन है, R2 क्लोज पाथ का रीजन है, और फिर R3 भी एक क्लोज पाथ का रीजन है, जबकि R4 को हमने 0, 1 और 11 के लिए रखा है, तो ये ओपन पाथ का रीजन है। तो हमारे पास 4 रीजन्स बने जो कि सारे नोड्स को कवर कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि इन रीजन्स से हम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करते हैं किसी भी ग्राफ की। इंडिपेंडेंट प्रोग्राम पाथ्स, अब हम फ्लो ग्राफ से ना इंडिपेंडेंट पाथ ग्राफिक्स को बना ग्राफ्स बनाते हैं, इंडिपेंडेंट प्रोग्राम पाथ बनाते हैं, पाथ को देखते हैं। अब जो पाथ 1 है वो तो बेसिक पाथ है जी, 1 से शुरू होके 1 पे जा रहा है, ठीक है। और दूसरा पाथ क्या है, 1 देखिए जी, 1 फिर 2 फिर 3 और उसके बाद 4 5 और फिर 10 पे आ रहा है, और फिर 10 के बाद दोबारा 1 पे जा रहा है, और 1 के बाद दोबारा 11 पे आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास पाथ 2। और पाथ 3 क्या है, 1 से 1 2 3 फिर 6 वाली साइड पे, ये दूसरी साइड पे जा रहा है, 6 8 9 10 11 1 और फिर 11। और पाथ 4 क्या है हमारे पास, 1 2 3 और फिर 6 6 के बाद हमारे पास फिर 2 डिसीजन है, पहले ऊपर वाले 6 के बाद हम 8 में गए पाथ 3 में, अब यहाँ पे पाथ 4 में हम 7 पे जाएंगे, फिर 9 10 1 और 11, ये हमारे पास 4 पाथ हैं, क्योंकि इस 4 पाथ को ये सारे इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से, यानी कि इनके जो है पाथ जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो क्योंकि हर एक में कोई एक से या एक से ज्यादा नोड डिफरेंट है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम देखते हैं जी साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी, जिसे हमने वी ऑफ जी यानी के वी ऑफ ग्राफ भी कहते हैं, साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी। तो साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी को फाइंड करने का एक तरीका है जी, नंबर ऑफ रीजन्स, नंबर ऑफ रीजन्स क्या है, नंबर ऑफ रीजन्स देख हमने देखा कि R1, R2, R3, R4, साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी, एक तो इसकी जो वैल्यू है वो 4 है, कि हम इस ग्राफ की साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी कह सकते हैं 4 है। कैसे फाइंड की, हमने नंबर ऑफ रीजन गिन लिए। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, वी ऑफ जी यानी कि साइक्लोमेटिक ग्राफ कम्प्लेक्सिटी जो है वो क्या है जी, हमने क्या किया, टोटल एजिस को देखे, टोटल एजिस हमारे पास यहाँ पे 11 है, उसको माइनस किया नोड्स, नोड्स हमारे पास क्या है, 9 है,
और फिर प्लस टू करके, ये एक फार्मूला है, तो ये भी हमारे पास फोर आ जाएंगे। और थर्ड जो है वो ये है कि नंबर ऑफ प्रीडिकेट नोड्स प्लस वन, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रीडिकेट नोड्स क्या है, थ्री हमारे पास है यहाँ पे वन, क्योंकि वन के बाद हमारे पास दो है, एक वन के बाद हमारे पास है, क्योंकि वन जो है वो डिसीजन बॉक्स था, वन के बाद हम टू और थ्री पे भी जा सकते थे। और उसके बाद हमारे पास जो जो हमारे पास टू है, सॉरी हमारे पास फिर थ्री जो आया, थ्री जो है वो डिसीजन था, तो हमारे पास डिसीजन बॉक्स जो है ना वो थ्री था, तो टू और थ्री। और अब इसमें सिंपल देख सकते हैं कि वन वन एक तो हमारे पास प्रीडिकेट नोड हो गया, उसके बाद टू और थ्री प्रीडिकेट नोड हो गया, क्योंकि उसके बाद हम डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि वन से हम जा रहे हैं इलेवन पे, और टू और थ्री पे के वन से हम टू और थ्री पे भी आ रहे हैं और इलेवन पे भी जा रहे हैं, और टू और थ्री से हम सिक्स पे भी जा रहे हैं, और हम यहाँ पे फोर और फाइव में भी आ रहे हैं, तो ये भी प्रीडिकेट। और सिक्स में हम क्या है, सिक्स नोड में हम क्या कर रहे हैं, सेवन और एट में जा रहे हैं, यानी कि डिसीजन नोड है, डिसीजन मेकिंग नोड है, या ऐसे समझ लें कि ये ब्रांच क्रिएट कर रहे हैं, जो नोड्स ब्रांच क्रिएट कर रहे हों उसको हम क्या कहेंगे, प्रीडिकेट नोड्स कहेंगे। जैसे एक नोड टू और थ्री की तरफ भी जा रहा था और इलेवन की तरफ भी जा रहा है, इसी तरह टू और थ्री नोड जो है वो सिक्स पे भी जा रहा है और फोर फाइव पे भी जा रहा है, ये दो हो गए, और थर्ड जो है सिक्स नोड जो है वो सेवन पे भी जा रहा है और एट पे भी जा रहा है। तो इस तरह हम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं, साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं, जिसे साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी, जिसको हम वी ऑफ जी से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि इस बात को आप समझ आ गई होगी कि सिंपल है जी, इंडिपेंडेंट प्रोग्राम पाथ्स क्या है, जो एक दूसरे पे डिपेंड ना कर रहे हैं, और हमारे इस फ्लो ग्राफ के चार पाथ बन रहे हैं। और पाथ का क्या मतलब है जी, हर पाथ में नोड्स डिफरेंट, कोई एक अदर नोड जो है वो डिफरेंट है। फिर साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी क्या है, साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी में हम नंबर ऑफ रीजन्स को देख रहे हैं, नंबर ऑफ रीजन्स के बाद से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हम एजिस नोड्स की मदद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और प्रीडिकेट जो है नोड्स की वजह से की मदद से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ड्राइविंग टेस्ट केसेस, ड्राइविंग टेस्ट केसेस में प्रिपेयर टेस्ट केसेस डेट विल फोर्स एग्जीक्यूशन ऑफ ईच पाथ इन वन बेसिस सेट, एक बेसिस सेट बना लेंगे जिसमें क्या है, ये चारों पाथ जो होंगे वो फॉलो कर रहा हो, कि हम एक ऐसा टेस्ट केसेस बनाएंगे जिसमें ये चारों पाथ को, जो इन चारों पाथ को ट्रेस कर रहा हो, कि इसमें से कोई भी मिसिंग ना हो। तो इस तरह के टेस्ट केसेस जो है, इस तरह के बेसिस सेट को हम टेस्ट केसेस में रखते हैं, इनको फॉलो करते हैं कि जो चारों पाथ जो हैं वो ट्रेस हो जाएं, या अपन चारों पाथ जो हैं फॉलो करें, इस किस्म का हम एक टेस्ट केस बताते हैं। मतलब एग्जांपल से ये बात समझ आएगी, लेकिन टेस्ट केसेस में क्या है कि जी इन जो आपने पाथ बनाए हैं, इंडिपेंडेंट प्रोग्राम पाथ, इन सब को वो ट्रेस कर रहा हो, ऐसा हम टेस्ट केस बनाएंगे। ये फ्लो ग्राफ हम बनाते हैं, उसको मेमोरी में स्टोर करने के लिए हम ग्राफ मैट्रिसेस बनाते हैं। ग्राफ मैट्रिसेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं जी, दो साइडेड जो है वो मैट्रिक्स लेते हैं, अच्छा टू साइडेड मैट्रिक्स बनाते हैं। अब इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है जो वन से थ्री में जा रहा है, फिर थ्री से नोड फोर में, फिर फोर से टू में, और फिर फोर से फाइव में भी जा रहा है, और फाइव से थ्री और टू में जा रहा है। तो नोड के दरमियान जो एजेस हैं उनको हमने ए बी सी डी ई एफ जी ई एफ से ना रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे हमें एक सवाल यह है कि हम इस ग्राफ को किस तरीके से हम मैट्रिक्स में एंटर करेंगे। तो जाहिर सी बात है, नोड हमने इस साइड पे लिख दिए, और क्या है, कनेक्टेड टू नोड्स इस साइड पे हमने, नोड जो है वो हमारे पास वाई एक्सिस वाली साइड पे है, और कनेक्टेड टू नोड्स जो है वो वाई एक्स एक्सिस की तरफ है, अपर एक्स एक्सिस की तरफ। तो इसमें देखा जी, एक नोड जब थ्री में जा रहा है, तो इसमें जो हमारे पास
एच बन रहा है वो एच क्या है, ए है। और इसी तरह 3 से 4 की तरफ जो हमारे पास नोड जा रहा है तो वो हमारे पास उसका एज जो है वो हमारे पास बी है। तो इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया, और इसी तरह वो हमने उस कोरेस्पोंडेंस में लिख दिया। जैसा कि पहला है नोड ए से नोड 3 की तरफ जा रहा है तो नोड ए और कनेक्टेड टू नोड 3 में ए लिख दिया हमने। 3 टू 4 में जा रहा है तो 3 हमारे पास नोड वाली साइड पे आएगा और 4 हमारे पास आएगा कनेक्टेड टू नोड वाली साइड पे, और इधर बी लिख दिया। तो इस तरह हमने वैल्यूज को पुट किया। इसी तरह हमने सी को 4 से 2 में देखा, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास 5 में क्या है जी, 5 से हम 3 में भी जा रहे हैं और 2 में भी आ रहे हैं, थोड़ी एफ और डी लिख दिया। तो ये हमारे पास इस तरीके से ग्राफ मैट्रिसेस बने। ग्राफ मैट्रिसेस हम क्यों बनाते हैं? ग्राफ मैट्रिसेस हम इसलिए बनाते हैं कि एक फ्लो ग्राफ को कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर कर सकें। अच्छा जी, इसके बाद कंडीशन टेस्टिंग होते हैं। कंडीशन टेस्टिंग में क्या है कि जी ये रिलेशनल एक्सप्रेशन की हम देखेंगे जी। कोई रिलेशन हमने लगाया है जैसे कि ग्रेटर देन लेस देन का जो रिलेशन लगाया है, इन इस तरह के एक्सप्रेशन को चेक करेंगे कि ये टेस्टिंग ओके है, इस तरह ये ओके कर रहा है, सही ऑपरेट कर रहे हैं। उसके बाद सिंपल कंडीशन में नॉट आ गया, यूनरी ऑपरेशन हो गया, कोई भी नॉट, कंजंक्शन डिसजंक्शन वगैरह हमने पढ़ा था, उनको हम चेक कर सकते हैं। उसके कंपाउंड कंडीशन में क्या है कि दो जो है सिंपल कंडीशन का जो कंबाइंड हो जाती है तो उसको हम कंपाउंड कंडीशन कहते हैं। जैसे E1 इज लेस देन E2 एंड E2 इज लेस देन E3, इस तरह की कंडीशन को चेक करते हैं। और बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू और फॉल्स को चेक करते हैं कंडीशन टेस्टिंग में, क्योंकि डिफरेंट कंडीशंस जो हमने लगाए हैं वो सही काम कर रही हैं या नहीं कर रहे। और फ्लो डेटा फ्लो टेस्टिंग में हमने जो वेरिएबल डिफाइन किए हैं वो फ्लो कर रहे हैं उसी तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें कुछ किसी 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 किस्म की गलती तो नहीं है, तो उसको हम डेटा फ्लो टेस्टिंग की कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लूप टेस्टिंग। लूप टेस्टिंग में हम लूप को चेक करते हैं कि लूप हम आपकी बाउंड्रीज को चेक करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो लूप में डिफरेंट टाइप की लूप्स हैं, सिंपल लूप्स आ जाते हैं, नेस्टेड लूप्स आ जाते हैं, कंकेटिनेटेड लूप आ जाते हैं, और आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड लूप आ जाते हैं। तो ऐसी बात है कि जो सिंपल लूप्स होते हैं, सिंपल लूप्स में हमारे पास जो है बेसिक लूप होती है कि एक बेसिक या तो कंप्लीट होगी वो लूप या वो कंप्लीट नहीं होगी। दूसरी बात यह कि नेस्टेड लूप्स में क्या है कि जी लूप्स के अंदर अगर कोई लूप हो तो उसको हम नेस्टेड लूप्स कहते हैं, और कंकेटिनेटेड लूप्स हैं कि जिस अगर लूप्स की स्ट्रिंग बनी हो कि एक के बाद दूसरी शुरू हो रही हो तो इस तरह के लूप्स को हम क्या कहते हैं, कंकेटिनेटेड लूप कहते हैं। और अनस्ट्रक्चर में कि रेंडम सी जो लूप्स हों तो उनकी टेस्टिंग जो होती है वो अनस्ट्रक्चर्ड लूप्स में आ जाते हैं। तो इतना हमने बेसिस पाथ टेस्टिंग और कंट्रोल स्ट्रक्चर टेस्टिंग को देखा, जिसमें बेसिस पाथ टेस्टिंग में हमने डिटेल में फ्लो ग्राफ म्यूटेशन को, इंडिपेंडेंट प्रोग्राम पाथेस को, ड्राइविंग टेस्ट को देखा, ड्राइविंग टेस्ट केसेस को देखा, ग्राफ मैट्रिक्स को देखा, और कंट्रोल स्ट्रक्चर टेस्टिंग में कंडीशन टेस्टिंग को, डाटा फ्लो टेस्टिंग को और लूप टेस्टिंग को देखा। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसंट्रेशन।